अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर और सलामती के साथ रखे। तो सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूँ, बहुत से दोस्त जो है ना वो मुझसे नाराज़ हैं कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट बनाता हूँ। इस तरह से हमारा कोर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और कितना ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा। तो मुझसे बहुत ज़्यादा कोताही हो गई, मैं वीडियो साथ साथ नहीं बना सका। तो अब इंशाल्लाह जो है ना मैं इसको जल्दी से जल्दी कोर्स को वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना। या इसके अबव जो साइज़ हैं 44, 46, इसको हम लोग पैटर्न में ग्रेड करेंगे तो हमारे सारे साइज़ मुकम्मल बन जाएंगे। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये कस्टमर की शीट है, उसने इस तरह से अपनी सारी डिटेल दी हुई जिसके अंदर उसके सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी कितनी किस साइज़ की कितनी मेजरमेंट चाहिए वो सारी दी हुई हैं। अब उसके आगे ये कस्टमर का एक हाउ टू मेजर होता है। हाउ टू मेजर होता है क्या? हाउ टू मेजर ये है कि कस्टमर ने गारमेंट को मेजर कैसे करना है। हाउ टू मेजर लफ्ज़ को अगर आप गौर करें तो पता चलता है कि हाउ टू मेजर के मेजर कैसे करना है। तो पैटर्न बनाने से पहले हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कस्टमर ने जो गारमेंट को मैयर करना है उसका मेथड क्या है, उसने उसको वेस्ट को किस तरीके से मैयर करना है, हिप को किस तरीके से मैयर करना है, थाई को, फ्रंट राइज को इंक्लूड करना है, टॉप बैंड करना है या विदाउट बैंड करना है, या इनसीम को उसने किस तरह से मैयर करना है। ये जो उसका मेथड होगा हमने उस मेथड के हिसाब से पैटर्न भी बनाना है और अपने गारमेंट को हमने भी उस तरीके से मैयर करना है जिस तरीके से जो कस्टमर को इसको जाके मैयर करेगा। अगर हम लोग किसी और मेथड के ज़रिए से इसको मेजर करेंगे और कस्टमर और मेथड के मुताबिक इसको मेजर करेगा तो दोनों तरीक़ों के कोऑर्डिनेशन आ जाएगी, जो इसमें डिफरेंस आएगा उस तरीके से उसके मेजरमेंट पूरी नहीं होगी। हमें यह समझना चाहिए जहाँ से कस्टमर ने मेजर करना है हमने भी गारमेंट को उधर से मेजर करना है और उस हिसाब से हमने गारमेंट को मेजर करके उसको भेजना है, ठीक है। तो ये कस्टमर का हाउ टू मेजर है। एक तो मैंने ये बता दिया कि ये उसका साइज़ चार्ट होता है, इसको स्पेक्स बोल लें या साइज़ चार्ट बोल लें, जिसमें उसने सारे साइज़ों की जो मेजरमेंट होती है वो दी होती है, इसको हम साइज़ चार्ट बोलते हैं। और उसके आगे इसका जो हाउ टू मेजर है, हाउ टू मेजर में ये दिखा रहा है कि इसकी जो मेजरमेंट है ये चेक करें ना, यहाँ पर उसका जो है ना दिया हुआ है कोड, मीन ये बी लिखा हुआ है, बी एक कोड है बी, यहाँ पर वो कस्टमर जो हाउ टू मेजर इसमें दिखा रहा है कि बी को उसने किस तरीके से मेजर करना है। ये चेक करें बी को, वो एरो लगा के रेड कलर के टॉप बैंड के ऊपर मैयर कर रहा है, इसको उसने यहाँ से मैयर करना है। और उसके अलावा अब जाके वो चेक करें सी,
जो इसकी हिप मेजरमेंट है ना सी कोडिंग, अब वो बता रहे हैं कि सी हिप की मेजरमेंट ये है और उसको मेजर मैंने किस तरीके से करना है, जहाँ पे ये एरो दिखा रहा है उसने इसको मेजर इस तरीके से करना है। उसके अलावा उसके आगे मेजरमेंट है डी, डी उसकी थाई की मेजरमेंट है, वो इधर ये मेजरमेंट दे रहे साथ वो आगे अपने हाउ टू मेजरमेंट दिखा रहा है कि मैंने डी को कहाँ से मेजर करना है। तो सबसे पहले आप ये हाउ टू मेजर और साइज चार्ट को समझ लें कि साइज चार्ट क्या है, इसके अंदर डिटेल और मेजरमेंट किस तरह से दी होती है, और उसके अलावा जो उसका हाउ टू मेजर है उसको किस तरीके से उसने दिया होता है। आपने जस्ट उधर से मेजरमेंट देखनी है, जहाँ से आपको समझ ना लग रही हो ये मेजरमेंट कौन सी है, तो आप उसके जो हाउ टू मेजर उसके ऊपर से देख सकते हैं कि ये कोड किस चीज़ का है। मिसाल के तौर पर अगर वो सी है तो आप ये दिखा रहे हैं, सी दिखा रहा है कि ये मेरी सीट है। अगर वो आपको डी वन दिखा रहा है तो आपको दिखा रहा है कि 14 सीएम्स नीचे आके ये डी वन इस तरीके से मेजर होना है। और अगर आपको ई दिखा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए, या ई ये 34 सीएम जहाँ पे मेरा कर्सर है ये क्रॉस से 34 सीएम नीचे आके उसने इस तरीके से ई को मेजर करना है। ये कस्टमर का सारा हाउ टू मेजर है जिसके ज़रिए से हम लोग पैटर्न भी बनाते हैं और इसके ज़रिए से हम लोग ने गारमेंट को मेजर भी करना है। तो ये दो चीज़ें होंगी, कस्टमर का साइज चार्ट हो गया जिसमें उसने साइज चार्ट दिए, उसने सारी डिटेल दी हुई है, उसके अलावा जो उसका हाउ टू मेजर है। मेन आपने इस हाउ टू मेजर को समझना है कि कस्टमर को गारमेंट को मेजर कैसे करना है। हमने पैटर्न के अंदर भी उसको उस तरीके से मेजर करना है जिस तरीके से हमने गारमेंट को मेजर करना है, बिफोर वाश या आफ्टर वाश। इस चीज़ की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कस्टमर अपना हाउ टू मेजर क्यों देता है। कस्टमर जिस तरीके से कस्टमर ने मेजर करना है गारमेंट को, हमने भी उस तरीके से मेजर करना है। तो ये हाउ टू मेजर के मुताबिक हमने पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो मैं पैटर्न को स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, साथ ही मैं इसका आज ही पैटर्न बनाने की जो है ना वो उसको स्टार्ट करता हूँ। लेकिन आप इसको बिल्कुल याद कर लें कि इसका हाउ टू मेजर क्या होता है। ये पीडीएफ की फाइल में आता है जिसके अंदर उसकी टोटल डिटेल होती है। अभी इसके अंदर पीओ शीट भी होती है जिसके अंदर वो बता रहा होता है कि मुझे किस साइज़ की कितनी क्वान्टिटी चाहिए, और उसके अलावा जो उसका कोड वगैरह होता है ये सारी चीज़ें दी होती हैं। तो हमें पैटर्न रिलेटेड जो चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें पैटर्न के लिए जो मेजरमेंट चाहिए वो ये दी गई है। साइज चार्ट के अंदर हमने जो साइज़ बनाना है उसकी मेजरमेंट हमने नीचे से लेनी है, और उसका हाउ टू मेजर भी देखना है, और उसका पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देना है। तो हाउ टू मेजर जो है ना इसको आप बिल्कुल केयरफुली के साथ इसको चेक कर लें कि इसका हाउ टू मेजर क्या होता है और उसको कैसे दिया गया होता है। हम ये चेक करें, B2 दे रहा है, वेस्ट बैंड की हाइट दे रहा है, और उसके अलावा अगर आप इस थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो आपको ये जो है ना S दिखा रहा है कि फ्रंट पॉकेट की विड्थ क्या है, S1 दिखा रहा है उसकी लेंथ क्या है, और उसके अलावा W दिखा रहा है, और उसके अलावा उसकी पोजीशन बैक पॉकेट की लेंथ विड्थ, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हैंडो जो है ना इसके हाउ टू मेजर में दी होती हैं। तो हाउ टू मेजर को समझते हुए हम लोग इसका पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ लें कि इसका साइज चार्ट क्या होता है और उसका हाउ टू मेजर कैसे होता है। तो उस हिसाब से मैं आपको ये साथ साथ जो है ना हाउ टू मेजर दिखा के इसका पैटर्न बनाना शुरू कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो इस नेक्स्ट जो इसका पैटर्न बनाना वो हम अगली वीडियो से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।